नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के नंबर वन न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं वर्ल्ड कवरेज का नंबर वन शो। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल SVP सिंह सर हमारे साथ मौजूद है, मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, और प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी जी इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकार है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। मेजर अली, ये तो तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 110 दिन बीत चुका है इस युद्ध को, और कहां तो ये आसार लगाए जा रहे थे कि अब जंग शांत होगी, बातचीत की टेबल पर नजर आएंगे ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने, अब तो दूर दूर तक कहीं इसके आसार नजर नहीं आ रहे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये दूर दूर तक इसके आसार अभी नजर नहीं भी आएंगे और लंबा चलने वाला है। और ये इसका एनालिसिस मैंने पहले आपको कहा था कि हम यहाँ पे नया साल मना रहे होंगे और यहाँ पे इनका युद्ध चल रहा होगा। नया साल क्या, ये तो और कुछ और एक सालों तक लग सकता है ये, क्योंकि इसमें अमेरिका जो है खास तौर से वो घी के दाने का काम कर रही है आग के अंदर, और जो मदद, जैसे कि जनरल साहब ने बताया, जो मदद मिल रही है अभी यूक्रेन को, वो 100% मदद नहीं मिल रही है, वो भारी भारी तौर से ऊपर ऊपर से बच्चे को बुलाने के लिए हम करते हैं ना कि भाई लॉलीपॉप दे दी उसको तो वो बंदा बच्चा खुश हो जाता है, उस तरीके की हेल्प मिल रही है। और ये जंग लंबा जब चलेगा और अमेरिका ढाल बनाएगी यूक्रेन को, नुकसान होगा यूक्रेन का, नुकसान होगा रशिया का। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने यूरोप में बोला कि युद्ध में फायदा किसी का नहीं होता, विजय किसी की नहीं होती, सबका इसमें नुकसान ही होता है। और इसमें नुकसान हम देख भी सकते हैं मेजर शाह की, किस तरीके से यूक्रेन का हर शहर तबाह हो चुका। अब हम ऊपर चलते हैं मेजर शाह के पास। सर, जिस तरीके से बार बार स्टोल्टनबर्ग ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, अब हैवी वेपन्स भी दिए जाएंगे, क्या ज़ेलेंस्की को ये बड़ी मदद पहुंचाएंगे रूस के खिलाफ ये जंग जीतने में? जी, ये मदद जो है कहने के लिए ऑन पेपर तो मदद कह सकते हैं आप इसको, ऑन ग्राउंड मैं इसको मदद नहीं मानता, मैं इसको बोलता हूँ और जले पे नमक छिड़कना और घी में आग और आग में घी डालने का काम करना। तो जी हाँ, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जब वो, जैसे कि प्रोफेसर अंशु ने बताया कि वो शांति की बात तो करेंगे, पर जैसे ही कुछ आसार दिखेंगे कि मदद आ रही है वो मुकर जाएंगे, वो अपनी बात उस पर पूरी अमल नहीं ठहरेंगे उस पर। तो ये हुई बात और खेल को बिगाड़ने वाली, और ये जंग इसी वजह से ही लंबी खींचने वाली है। जैसे जनरल साहब ने बताया कि केवल प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जो बाइडेन को साथ में बैठ के ये सुलझाना चाहिए मामला, इस पे यही वजह है कि हमने देखा कि नेटो में भी अब दो पक्ष हैं, जहां एक पक्ष बातचीत को लेकर राजी है समीर, वहीं दूसरा पक्ष अभी भी चाहता है कि रूस के ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। तो भारत की कॉपी करता हुआ ड्रैगन और अग्निपथ कार्यक्रम की तर्ज पर ही चीन में भी युवाओं को सेना में शामिल करने के लिए एक बड़े प्रोग्राम के तहत काम कर रहा है चीन। तरीके से अपनी सैन्य कर्मियों का सक्रिय करने के लिए अलग अलग बॉर्डर्स पर इसको लेकर सिलेक्शन भी करता है, और यहाँ हमने देखा था कि भारत से सटे बॉर्डर पर खासकर बच्चों की रिक्रूटमेंट पर भी चीन की तरफ से पहले जोर दिया जा चुका है, और अब एक और कदम चीन की तरफ से। जी, पिछले साल चीन ने कोशिश करी थी कि ये तिब्बतियन फौज को रिक्रूट कर ले एक लॉयल्टी टेस्ट के बाद, जो कि ऑलरेडी हमारे पास विकास बटालियन है एस्टैब्लिशमेंट 22, उसमें स्पेशल फोर्सेस हैं, उसमें कंपा ट्राइब ये खास इसमें मानी जाती है। अब चीन भी है, चीन की मैं बताऊं कमजोरी क्या है, एक तरीके से उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी है। Exactly. तो वो चाहते नहीं कि उनके जो परिवार वाले शहीद हों, बच्चे शहीद हों। पाकिस्तान का क्या है, वो लोग वहाँ पे उग्रवाद में उग्रवादी में भर्ती कर लेंगे। हिंदुस्तान की जो अग्निवीर अभी जो है ये बहुत ही हॉर्नी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र 19 साल के थे जब उनको परमवीर चक्र मिला। मेजर शाह, आप इंडिया के अग्निवीरों का जिक्र कर रहे हैं, तो सवाल ये भी बनता है कि क्या चीन उससे डर गया है? ये तैयारी की जा रही है चीन की तरफ से भारत को देखते हुए, लगभग कंडीशन सेम ही नजर आ रही है, लेकिन चीन इसके जरिए क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या एक कॉपी फंडा अपना रहा इस वक्त चीन ड्रैगन, लगातार चर्चा इस पर होती रहेगी। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन इन करने के लिए।